अपने देश में जब भी बढ़ती आबादी पर अंकुश की बात उठती है तो मजहब के कथित ठेकेदार मैदान में आ जाते हैं और एक समान कानून का विरोध करते करते आबादी विस्फोट को जस्टिफाई करने लगते हैं। मगर कानून अभी बने या बाद में, लेकिन एक सच यह है कि जनसंख्या के मामले में भारत सबसे ऊपर आ गया है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं और ग्लोबल एजेंसी आबादी विस्फोट की तरफ इशारा कर रही है। क्या आबादी के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा? आबादी विस्फोट पर मजहबी कार्ड खेलने वाले बाज आएंगे? क्या आबादी पर अंकुश के लिए एक देश एक कानून का वक्त आ गया? यकीन मानिए, आबादी के अखाड़े में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। आबादी का ऐसा विस्फोट कि 2023 में अगर जनगणना हुई तो सामने आ सकता है कि भारत चीन से भी कई कदम आगे निकल चुका है। जनगणना और डेमोग्राफिक पर काम करने वाले वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 2022 के आखिरी तक भारत की जनसंख्या 1.417 बिलियन हो चुकी थी। वहीं चीन की एक रिपोर्ट कहती है कि उसकी जनसंख्या 1.412 बिलियन है, भारत से लगभग 5 बिलियन कम। यानी जिस अंधाधुंध आबादी को लेकर 2025 या 2030 का आकलन किया जा रहा था, वो आंकड़ा भारत 2023 में ही पार कर चुका है। और नई रिपोर्ट आते ही देश में बहस तेज हो गई है कि आबादी पर अंकुश के लिए एक समान कानून लाने का वक्त आ गया है। देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि देश के 72 जिलों में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 4 से अधिक है, और इन 72 जिलों में एक बड़ी देश की बड़ी जनसंख्या रहती है। 135 जिलों में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3 से अधिक है। आबादी कैसे तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है? कौन बढ़ा रहा है आबादी? बच्चे दो ही अच्छे, जब भी ये सवाल आया मजहब के दांव पेज उतने ही तेज आए। ओवैसी भाईजान से लेकर बदरुद्दीन अजमल तक के बयानों की क्रोनोलॉजी को देखें तो इन्होंने न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण पर कानून का विरोध किया बल्कि आबादी विस्फोट को भी मजहब के ही अखाड़े में रखा। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। बढ़ती आबादी, घटते संसाधन और सीमित होते जमीन पानी, ये संकट भले ही आपको दिखने में अभी कम लगे मगर वो दिन दूर नहीं जब आबादी के अखाड़े में ये समस्या भी भयंकर विनाश का रूप ले लेगी। सियासत के हर दौर में बढ़ती आबादी को लेकर दावों और दलीलों का दौर चला। ये भी सच है कि दुनिया में सबसे पहले जनसंख्या नीति लागू करने वाला देश भी भारत ही है, मगर मजहब के दांव पेच ऐसे हैं कि जब भी कानून का मसला आया जरूरी कदम पीछे छूटते चले गए और सामने आ ही गया वो सच जो शायद देश की तरक्की में सबसे बड़ा बाधा बन सकती है। कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत पिछले एक सप्ताह से हेडलाइंस में बनी हुई हैं। पहले उनके निकाह की खबर आई, खबर से नानुकर भी आई, फिर आखिरकार राखी के निकाह को पूरे जमाने के साथ कबूला गया, लेकिन राखी अब भी परेशान है। अब